मैच जो देख रहा था रियलिटी उसके बिल्कुल खिलाफ थी। जिस नजरिए से वो एन्जेंट्रेस को देख रहा था, एन्जेंट्रेस वैसी थी ही नहीं। तब एश एन्जेंट्रेस से पूछता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। तब डैजलर उसे उससे दूर करते हुए कहती है, पागल दूर रहो उससे, वो उन जोम्बिस में से एक है। और वो आगे बताती है वो एन्जेंट्रेस है, उसके पास पावर से किसी भी आदमी को रिझाने की, और वो सामने वाले को पावर रेस कर देती है उसके हर कमांड मानने के लिए। और इस तरह से वो आगे वाले को वो दिखाती है जो वो दिखाना चाहती है। तब एश को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए डैजलर वो प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ती है। तब डैजलर आगे बढ़कर कहती है, मैं अपने म्यूटेंट डैजलिंग पावर के साथ वो सब कुछ करूंगी जो इसके कॉन्सेंट्रेशन को तोड़ सके। और थोड़ी देर बाद एन्जेंट्रेस का जॉम्बी चेहरा सबके सामने आता है। तब उसकी तरफ पॉइंट करके डैजलर कहती है, ये देखो इसका असली चेहरा। और वो पॉइंट की गई उंगली एन्जेंट्रेस खा जाती है। उस पर एश और स्कारलेट विच चौंक जाते हैं। तब एन्जेंट्रेस आगे कहती है, तो तैयार हो जाओ हमारे वर्ल्ड में आने के लिए न्यू सिस्टर। तभी डैजलर और एन्जेंट्रेस को एक लेजर भी मार देती है। और तब हम देखते हैं डूम को जो कह रहा था अब तुम दोनों गुड बाय कहो। तब स्कारलेट विच उसे बताती है कि विक्टर एलिसन अभी भी जॉम्बी नहीं बनी थी। तब डूम कहता है, नहीं लेकिन ये कुछ समय की बात थी, उसे मारकर मैंने उसे बचाया है और साथ ही साथ हम लोगों को भी। तब डूम अपना लेजर रेडी करके कहता है, ऑफकोर्स ये जरूरी तो नहीं होता अगर इस पागल ने इन्फेक्टेड अमोरा को रिलीज नहीं किया होता। तब एश कहता है, रुको मुझे नहीं लगा कि वो इन्फेक्टेड थी क्योंकि वो दिखने में नॉर्मल लग रही थी। तब डूम कहता है, सही कहा लेकिन तुमने मेरे साथ जो बदतमीजी करने की गुस्ताखी की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब स्कारलेट विच बीच में आकर कहती है, रुको विक्टर अब और किसी को नहीं मारोगे तुम। तब डूम कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डूम को ऑर्डर देने की, पागल औरत तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि इस उल्लू को किसने आज़ाद किया, और अपनी जबान को लगाम दो वरना तुम डूम का गुस्सा देखोगी। तभी डूम का एक आदमी उसे पुकारते हुए आता है और उस पर डूम कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डूम को इंटरप्ट करने की, क्या उन जॉम्बीज के डर की वजह से सबको डूम के गुस्से का कोई डर नहीं रह गया। डूम आगे कहता है, तो बताओ क्या हुआ क्योंकि इसी पर तुम्हारी जिंदगी टिकी है। तब वो आदमी कहता है, मुझे लगा आपको पता होगा कि इन्फेक्टेड सुपर हीरोज जिन्हें आपने अपने गोला बारूद और कैसल के डिफेंस से पीछे हटा दिया था वो वापस आ रहे हैं। तब डूम उससे पूछता है, क्या मुझे लगा था एक बार उन्हें पता चल जाए कि डूम शेड को तोड़ना आसान नहीं है तो वो इन्फेक्टेड लोग बाकी जगहों पर जाएंगे उन्हें खाने के लिए जो कि लेटवेरे के आसपास होंगे। तब वो आदमी कहता है, हाँ ऐसा ही हुआ है महाराज, उन्होंने लगभग सारे लोगों को मार दिया। सिर्फ सारे लोगों को और सारे देशों को ही नहीं बल्कि उन्होंने सारे महाद्वीपों पर सभी लोगों को मार दिया है और इसलिए वो वापस आ गए हैं और वो अपने दोस्तों को भी ले आए हैं। और तब हम देखते हैं मार्वल सुपर हीरोज जो कि जॉम्बी बन चुके थे वो बढ़ रहे थे लेटवेरिया में डूम के कैसल की तरफ। और इसी के साथ शुरू होता है आज का एपिसोड द टॉकिंग डेड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम आपके लिए लेकर आए मार्वल जॉम्बीज वर्सेस आर्मी ऑफ डार्कनेस का एपिसोड 5 जिसका नाम है द स्टॉकिंग डेड। तो आपके एक्साइटमेंट को ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और कर्नल अमेरिका सबको अटैक करने को कहता है और हल्क अपना पंच, साइक्लॉप्स अपनी लेजर और थॉर अपना हैमर रेडी करके अटैक करते हैं। और अंदर हिलते हुए महल को देखकर एश डूम से कहता है, तुमने तो कहा था कि ये कैसल इम्प्रेगनेबल है चीफ। तब वो कहता है, यहाँ पर सतह है इम्प्रेगनेबल की, बेवकूफ कही के। तभी सारे जॉम्बीज दीवार तोड़कर अंदर आते हैं जहाँ नाइट क्रॉलर कहता है, गुड न्यूज है डूम, हमने डिसाइड किया है कि तुम्हें जिंदा छोड़ दे, और जिंदा से हमारा मतलब है हम तुम्हें मारेंगे और हमारे रैंक में शामिल करेंगे। तब स्टॉर्म कहती है, लेकिन किसी नॉन पावर ह्यूमन के लिए नहीं जो तुम्हारे आसपास है, वो हमारा खाना बनेंगे। तभी हैंक कहता है, स्पेशली वो जो लेटवेरियन रिफ्यूजीज है जिन्हें तुमने पनाह दी है। तब डूम पूछता है, रिफ्यूजीज इसके बारे में तुम्हें कैसे पता। उस पर हैंक कहता है, आसान है, होमो सेपियंस को शॉर्ट सप्लाई की जरूरत पड़ती है इसलिए मैं अपना पूरा ध्यान रिप्रोग्रामिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर पाया सेरेब्रो के, इसलिए हमने लोकेशन ढूंढ निकाली यहाँ की, और इसी तरह से बिना ज़्यादा मेहनत किए मैं यहाँ तक पहुँच गया। तब डूम कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैकॉय और जेवियर को भी नहीं। तब
हैंक मैकॉय यानी कि द बीस्ट कहता है, नहीं तुम गलत हो, जेवियर महामारी के शुरुआती के दिनों में ही मारा गया, अपने गुड बिहेवियर की वजह से डिलीशियस खाना बना। तो मैं यहाँ पर एक बिग ब्रेन लाया हूँ इस सब उलझन को सुलझाने के लिए। तब हम देखते हैं रीड रिचर्ड ने डॉक्टर डूम को पकड़ लिया था। यह सब देखकर एस वांडा को पुकारते हुए कहता है, मुझे लगता है सबकी आंखें अभी डॉक्टर डूम की तरफ है, तो यह हमारे लिए चांस है यहाँ से निकलने का। और इतना कहकर वो वांडा को पुकारते हुए पीछे मुड़ता है। तब वो देखता है कि पनिशर वांडा को खा रहा था और कहता है, स्कारलेट विच अभी कुछ बीमार है, मैं याद हूँ स्मार्ट गए, अब तुम नेक्स्ट हो। तब वांडा कहती है, ऐश जाओ मैक्रोनोमिकन को ढूंढो और इस प्लग को ख़त्म कर दो। तब ऐश बताता है कि मैंने पहले ही उसे ढूंढ लिया है, लेकिन उसकी पावर मिस्टिकल से और उसका कंट्रोल सिर्फ अनडेड पर है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं इस इंटरडाइमेंशनल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ मिला है। और ऐश अपना दिन बचाने निकल पड़ता है। तब नेक्रोनोमिकन को बाहर निकाल कर ऐश उससे कहता है, मैं और तुम नोमिकॉन, हमें बात करनी चाहिए। तब वो बुक कहती है, बात करनी चाहिए, कोई भी चीज़ मुझे मना नहीं सकती तुम्हारे ये बकबक सुनने पर, हालांकि तब जब तुम अपने अंत के इतने करीब हो, तुम्हारा अंत करीब है विलियम्स, तुम मुझे मनाने की कितनी भी भीख मांग लो, लेकिन तुम्हारा अंत यातनाओं और पीड़ा से भरा होगा, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। तब ऐश कहता है, मुझे लगता है तुम्हें भीख मांगने के बारे में कुछ गलतफहमी हुई है, मुझे तुमने बताया कि जॉम्बी प्लग एक पैन डायमेंशनल वायरस है, ये सिर्फ ह्यूमंस को नहीं इन्फेक्ट करता, और जब वो जॉम्बीज मेरे पास आएंगे तब वो तुम्हें भी कुतर डालेंगे। तब वो बुक कहती है, क्या क्या पागलों की जैसी बातें कर रहे हो तुम, वो नरभक्षी जॉम्बीज मुझे खाएंगे, एक बुक को। तब ऐश कहता है, सुनो रद्दी के ढेर, मैंने इन्फेक्टेड देखे हैं रोबोट्स, म्यूटेंट्स, आउटर स्पेस एलियंस, माइथोलॉजिकल गॉड्स और एक इंसानों जैसा स्पेस में रहने वाला डग, ये सभी ह्यूमंस तो थे नहीं, और तुम तो एक सेंटेंट बुक हो जो कि ह्यूमन ब्लड में लिखी गई है। तो जहाँ तक मुझे पता है या फिर जहाँ तक मैं कह रहा हूँ, तुम मेरे जितने ही लकीली टारगेट होगी उन सब के लिए। तो जब वो जॉम्बीज मुझे खाने आएंगे तो तुम ये चांस लेना नहीं चाहोगी। उस पे वो बुक कहती है, ठीक है तो अपना प्लान बताओ एशले विलियम्स। तो अब भविष्यवाणी सच होने वाली थी, एक तरफ जहाँ पर सारी दुनिया मरने वाली थी, वही दूसरी तरफ आर्मी ऑफ डेड जिंदा होने वाली थी, जिसे ताकत मिलती थी डार्क पावर ऑफ नेक्रोनोमिकॉन से, जो चला जाने वाली थी हेड पर, जो मिलियन सोल्स का गला घोटकर चला जाने वाली थी इन्फेक्टेड जॉम्बीज के जरिए अपने बदले के लिए, एक एंग्री डेड, एक इविल डेड, एक आर्मी ऑफ डेडाइट, एक आर्मी ऑफ डार्कनेस, और आर्मी ऑफ डार्कनेस उठ खड़ी होने वाली थी हीरोज के खिलाफ, इन्फेक्टेड जॉम्बी मल्टीट्यूड्स के खिलाफ, जो कि थे इस दुनिया के फॉर्मर हीरोज और विलन्स, उनकी स्ट्रेंज अमेजिंग और मार्वलस सुपर पावर्स के साथ। ये तो तय था कि स्ट्रेंज अमेजिंग और मार्वलस सुपर पावर्स के खिलाफ आर्मी ऑफ डेडाइट टिकने वाली नहीं थी, लेकिन ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि आर्मी ऑफ डार्कनेस अपने हुक्म की तामील कर रही थी, भले ही कुछ देर के लिए जॉम्बीज ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया हो कभी ना मिटने वाली भूख से। और इस चीज़ ने सर्वाइवर्स को कुछ ऐसी चीज़ दी जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी, जो थी वक्त। तब लेटवेरियन रेफ्यूजीज के सामने कोई खड़ा होता है और कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐश इकोनॉमिकों से पूछता है, इंटरडाइमेंशनल टेलीपोर्टर से तुम्हारा क्या मतलब है? तब वो कहती है, डूम सिर्फ एक तानाशाह और जादूगर नहीं है, वो एक तेज दिमाग साइंटिस्ट है इस प्लेनेट का, उसने थोड़ी देर पहले ही एक टेलीपोर्टर क्रिएट किया है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। मैं खुद को टेलीपोर्ट तो कर सकती थी, लेकिन इन लाशों को फिर से जिंदा करने में मेरी बहुत सारी पावर चली गई है और अब मैं वीक हूँ। तब ऐश कहता है, तो फिर तुम हमें वहाँ टेलीपोर्ट कर दो जहाँ पर आर्मी ऑफ डेडाइट जिंदा हो रही है। तब वो बुक ऐश को चुप रहने को कहती है और कहती है, ट्रांसपोर्टर इस रूम के अंदर है। तब हम देखते हैं अंदर डूम लोगों को टेलीपोर्ट करते हुए कह रहा था, जल्दी चलो हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसे देखकर ऐश कहता है कि वो जिंदा है, और इतना ही नहीं बल्कि वो लेटवेरियन रिफ्यूजीज को टेलीपोर्ट कर रहा है। फिर डूम को पास से देखकर वो कहता है, लगता है मैंने जिंदा है कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंटली कह दिया। डूम कहता है, नहीं एशले विलियम्स, मुझे काटा गया है, और ठीक है इन्फेक्शन फैलता नहीं तब तक मैं ही हूँ, मुझे अब रीडिचर से और उसके साम्राज्य से बदला लेना है, ये भूख बढ़ रही है, चेंज आ रहा है, मैं तुम्हें खा सकता था एशले विलियम, लेकिन अब नहीं, जब तुमने मेरी मदद की मेरे लोगों को बचाने में,
तुमने एक डाइवर्जन क्रिएट किया उन जॉम्बीज के चंगुल से छुड़ाने के लिए, और इसलिए अब तुम जा सकते हो इस डायमेंशन से। तब वो कहता है, तुम श्योर हो? क्योंकि मेरे पीछे वो जॉम्बीज मुझे फॉलो करते हुए आएंगे दूसरी दुनिया तक। तब डूम कहता है, नहीं, वो तुम्हें फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पोर्टल प्रोग्राम है 5 सेकंड पर रिसेट होने के लिए। ये रैंडमली रिसेट होता है और रैंडमली स्विच करता है पैरेलल वर्ल्ड्स, डिफरेंट डायमेंशंस और टाइमलाइंस। वो तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएंगे और तुम्हारे जाने के बाद मैं इस सब को तोड़ दूंगा। तब वो कहता है, ठीक है, तो मुझे वहाँ भेजो जहाँ पर जॉम्बीज ना हो। तभी नेक्रोनोमिकॉन कहती है, मैं सेंस कर सकती हूँ कि वो जॉम्बीज यहाँ पर बढ़ रहे हैं। नेक्रोनोमिकॉन को फेंक कर एस्ले विलियम कहता है कि तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊँगा। तब नेक्रोनोमिकॉन कहती है, एस्ले विलियम, नेक्रोनोमिकॉन ये याद रखेगी और इसका बदला किसी दिन किसी जगह जरूर लेगी। तब द थिंग आगे बढ़ते हुए कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है डॉम्सी, तुम उसे छुप पाओगे? ये हमारे लिए डेजर्ट है। तब डूम वो पोर्टल तबाह करके कहता है, तुम लेट हो गंदे मॉन्स्टर, क्योंकि तुम्हारा मीट जा चुका है और मैंने ये टेलीपोर्टर भी तबाह कर दिया है। तुम्हारे साथी ज़ॉम्बीज ने मुझे काट के मुझे भी इन्फेक्टेड कर दिया है। तब उसे पीटते हुए द थिंग कहता है, अच्छा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पीट नहीं सकता। तब वुल्वरीन नेक्रोनोमिकॉन को अपने क्लॉ में उठाकर कहता है, देखो हमें क्या मिला। तब नेक्रोनोमिकॉन कहती है, छोड़ो मुझे, मैं फियर्ड और फियरसम नेक्रोनोमिकॉन हूँ, ऐसी पावर के साथ जिसे तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे। डेथ मेरे अंडर काम करती है और मैं होस्ट टू डेडाइट आर्मी की, और वो मेरे हर कमांड को सर्व करते हैं। तब वुल्वरीन उस पर कहता है, अच्छा, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो उस अंडेड आर्मी के लिए, तो तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया फिर भी वो जीत नहीं सके। तब वो बुक कहती है, ठीक है, जाने दो, अगर तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो तो मैं बता दूँ कि मेरे पेज बहुत बदबूदार है। तब वो कहता है, तुम पागल हो, तुम एक बुक हो और कोई भी बुक को नहीं खाता। और वो उस बुक को हल्की तरफ फेंकते हुए कहता है, हम जॉम्बी हुए तो क्या हुआ, हमने अभी भी टॉयलेट पेपर खाना शुरू नहीं किया है। तब जॉम्बी हल्क उसे पकड़कर कहता है, जॉम्बी हल्क भूखा है और जॉम्बी हल्क इस वक्त कुछ भी खा सकता है। तब टेलीपोर्टर के अंदर कई जगह चूज करके वो आखिरकार यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जहां पर वो कहता है, अच्छा हुआ मैं घर आ गया, या फिर घर के कहीं आसपास ही सही, अब कोई और जॉम्बी नहीं, कोई और सरप्राइज नहीं। तब वो देखता है जॉम्बीज को, जो कि इंसान तो नहीं लग रहे थे लेकिन जानवर सुपर हीरो जरूर लग रहे थे। तभी डूम का वो टेलीपोर्टर बंद हो जाता है। तब वो कहता है, थैंक्स फॉर नथिंग डूम, क्योंकि तुम मुझे सुपर मॉडल के मल्टीवर्स में छोड़ने के बजाय यहाँ पर छोड़ गए इनके बीच। तब वेयर वुल्वरीन कहता है, दोस्तों गुड न्यूज़ है। तब जॉम्बी वेयर स्पाइडरमैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है वेयर वुल्वरीन, तुम्हारे अकेले के पास हाई टेंडेड एनिमल सेंस है? तब जॉम्बी वेयर लुक केज कहता है कि हम सब स्मेल कर सकते हैं फ्रेश मीट को, इसका मतलब है ये खाने का समय है।